हेलो फ्रेंड्स, कुछ नए सीखे में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए किड्स राखी, हाउ टू मेक किड्स राखी। एंड ये बनने वाली है फॉर्म शीट से, जो कि ग्लिटर फॉर्म शीट्स होती हैं। उसके लिए हमें दो ग्लिटर फॉर्म शीट चाहिए, दैट इज वन सिल्वर एंड वन रेड। एंड कुछ ब्लैक पेपर चाहिए, हमें पेंसिल रबर एंड सीजर की भी नीड होगी। तो बस हमें यही घर की जो भी रिक्वायरमेंट है, बस हमारी यही रिक्वायरमेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक सिल्वर पेपर, एंड सिल्वर पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें ये शेप यहां पर इसकी ड्रॉ करनी है, और एंड इसको कट कर देना है लाइक दिस। हमें पीछे की साइड से इसको ऐसे कट कर देना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को ब्लैक शीट पर रखेंगे। ब्लैक सिंपल शीट है ये, और इस तरीके से इसका हम आउटलाइन कर लेंगे। एक रफ एस्टिमेशन हमें लेना है, और फिर इसके अंदर अंदर हमें इस तरीके से इसके गॉगल्स बनाने हैं। इतना ही हमने इसलिए इसका रफ एस्टिमेशन इसलिए लिया है, ताकि हमारे जो गॉगल्स बने इसके बिल्कुल परफेक्ट बने, जस्ट लाइक दिस। दो बड़े सर्किल एंड दो इसके अंदर छोटे सर्किल। इस तरीके से हमें एस्टिमेशन लेना है, एंड बीच में हमें इस तरीके से इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये जो हमारे गॉगल्स हैं वो बन गए हैं, और हमें इसे कट कर देना है। तो कट करके हमारे पास ये आ गए हैं। फिर हमें करना है इसी ब्लैक शीट में से हमें दो आईज निकालनी है। ये देखिए, हमारी ये दो आईज आ गई हैं। फिर हमें रेड शीट लेनी है, और रेड शीट में से भी इस तरीके से एक छोटी सी इसकी नोज कट कर देनी है। अब हमें प्रेस लेनी है। देखिए, प्रेस को हमें लेना है, और ये फॉर्म शीट है, प्रेस हमारी गर्म है, और उसे हमें इस तरीके से रख देना है। ये देखिए, बस ये देखिए, ये हमारा जो है शेप परफेक्टली बन गई है। इसी तरीके से हमने इसकी नोज को भी थोड़ा सा शेप दे दी है, और अब हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। गॉगल्स, आईज एंड नोज, इस तरीके। ये हमने गॉगल चिपका लिए हैं, हम अब इसकी नोज चिपकाएंगे। नोज का जो ये पॉइंटेड वाला हिस्सा है, उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से। एंड ये अब हमने रिबन लिया है, जो कि रिबन मैंने लिया है 12 इंचेस लॉन्ग, और इसको हमें ऐसे डबल करने के बाद इस तरीके से वी शेप में कट कर लेंगे। एंड इसका मिड हम चेक कर लेंगे एक बार। देखिए, ये है इसका मिड, और यहां पर हम अपनी राखी के बेस को पेस्ट कर लेंगे। एंड दैट्स इट, ये हमारी ब्यूटीफुल सी राखी बनकर रेडी हो गई है।
अगर आपको हमारा आइडिया अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।